हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पूर्वे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेवेंथ ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेवन, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ पार्ट सिक्स। इन दिस वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट मेथड, दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड फॉर सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन। फॉर दिस वी फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर। फर्स्ट ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को पहले हम लिख लेंगे। सेकेंड इज सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। After that, we simplify in the simplest form to LHS and RHS both. उसको LHS को simplest form में जितना simplest हो सकता है उसको sort कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसको छोटा कर लेंगे हम LHS को भी और RHS को भी, ठीक है। Now next, transpose all terms containing variables from RHS to LHS and all the constant terms to RHS by changing their sign. That means transpose करेंगे, यानी LHS से all terms containing variables from RHS, यानी RHS में जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स होंगे उसको RHS से LHS में लाएंगे। डेट मीन्स RHS में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू को, कॉन्स्टेंट टर्म को, डेट मीन्स रियल नंबर्स को ही रखेंगे। अगर RHS साइड में अगर वेरिएबल वाले टर्म है तो उसको हम लोग LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे बाई चेंजिंग देयर साइन, उसके साइन को चेंज करके, ठीक है। और अगर LHS में कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लोग LHS से RHS में चेंजिंग कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई LHS एंड RHS बाय एंड सॉल्व द इक्वेशन। उसके बाद हम लोग LHS को सिंप्लीफाई करेंगे और RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर दिस वी फॉलो the following rules, that is when here we write note a term in an equation can be that means a term in an equation can be transposed from one side to other side by changing its sign, that is on transposing from LHS to RHS. It means equation के किसी भी term को हम लोग एक side से दूसरे side, that means LHS से RHS या RHS से LHS में term को change करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग को उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे साइन चेंज होगा? तो प्लस चेंजेज टू माइनस एंड माइनस चेंजेज टू प्लस मल्टीप्लाई चेंजेज to divide and divide changes to multiply. फोर बेसिक ऑपरेशन होता है जनरली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। नाउ वन मोर कंसेप्ट विच इज अप्लाइड इन solution, that is cross multiplication. If a form that is ax plus b by cx plus d is equal to p by q, where a, b, c, d are real numbers and p and q are either real numbers or
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, या पी बाई क्यू रियल नंबर्स भी हो सकता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट मीन्स एल एच एस बाय डिनोमिनेटर ऑफ आर एच एस, एंड डिनोमिनेटर ऑफ एल एच एस इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर ऑफ आर एच एस, दैट इज क्यू इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी इंटू सी एक्स प्लस डी। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन इज दैट सिक्स इंटू थ्री एक्स प्लस टू माइनस फाइव इंटू सिक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस एट माइनस फाइव इंटू सेवन एक्स माइनस सिक्स प्लस नाइन एक्स। हेयर सॉल्यूशन इज सिक्स एक्स सिक्स इंटू थ्री एक्स प्लस टू माइनस फाइव इंटू सिक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस एट माइनस फाइव इंटू सेवन एक्स माइनस सिक्स प्लस नाइन एक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो एम्प्लाइज डॉट का साइन लगाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन है। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को सिंपलेस्ट करेंगे, तो एल एच एस को भी सिंपलेस्ट करेंगे और आर एच एस को भी सिंपलेस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में कम्प्लेक्स टर्म है, यानी सॉल्व कर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट करेंगे। तो फॉर दिस वी हैड सी दैट सिक्स जो है इस ब्रैकेट से पहले, तो ब्रैकेट से पहले कोई भी चीज होता है तो यहाँ पर ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन नहीं दिख रहा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो सिक्स से इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सभी को मल्टीप्लाई होगा, तो सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, सिक्स को थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्टीन एक्स, सिक्स को फिर टू से, तो यहाँ जो साइन है वो साइन पुट करना पड़ेगा, सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व, अब माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर इस ब्रैकेट के अंदर को, तो माइनस यहाँ प्लस माइनस सिक्स फाइव जा 30x हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव को वन से करेंगे तो फाइव, इक्वल का साइन है इक्वल का साइन पुट करेंगे, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स माइनस 24, अब माइनस फाइव से तो माइनस 35x प्लस 30, माइनस माइनस प्लस सिक्स फाइव जा 30 प्लस 9x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड में हम रियल नंबर्स को कांस्टेंट टर्म को रखेंगे, और जो भी एक्स वाले रियल वाले टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो यहाँ 18x माइनस 30x, बस इसको उस साइड ले जाना है, तो पहले इधर से लाएंगे एक्स वाले टर्म को, तो ये प्लस 3x है तो इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस 35 है तो प्लस 35 इधर आने पर हो जाएगा, और ये प्लस 9x है तो इस साइड आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। अब इधर 24 जो इधर पहले है उसको लिख लेंगे माइनस 24, अब प्लस 30, अब इस साइड से ले जाएंगे 12 को तो माइनस 12 हो जाएगा, और फिर 5 जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको अब यहाँ पर पहला टर्म जो है प्लस में है, तो प्लस वाला जितने भी टर्म है, सॉरी यहाँ 30x, प्लस वाला टर्म ये और ये दोनों हैं, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम 18 और 53, 35, 35 दैट इज 53 हो जाएगा, 53x, और यहाँ माइनस वाला जितने भी टर्म है सभी को एक साथ ऐड, सभी को एक साथ ऐड करेंगे 9, 3, 12 और 30 दैट मीन्स 42x माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले माइनस वाले टर्म है तो माइनस वाले सभी टर्म को एक साथ ऐड करेंगे 12, 5, 17, 17 और 24 कितना हो जाएगा 41, माइनस में 41 हो जाएगा, और प्लस वाला टर्म जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, 30, अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो माइनस 11x, सॉरी नहीं सॉरी 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 प्लस 11x होगा, प्लस 11 11x मिलेगा इधर से, और इधर माइनस 11 मिलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग,
एक्स को अकेला बनाना है, तो 11 इधर है, 11 को हमको उस साइड ले जाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है 11 एक्स को 11 से मल्टीप्लाई है, तो 11 को हम उस साइड ले जाने के लिए तो यहाँ ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, तो इस साइड में आने पर ये मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो -11/11 दैट मीन्स -1, -1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो, द रिमेनिंग कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो।